नमस्कार, न्यूज़लिंगर का स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहां पर किसान सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने जो बीते दिनों छत्तीसगढ़ में 7 जून को 3 मुस्लिम नौजवानों को जिस तरीके से गौकसी का आरोप लगाकर मारा गया और उसके बाद जो उनके परिवारों से मिले और उसमें क्या कानूनी प्रक्रिया चल रही है इसको इन्होंने समझा और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इन्होंने आम जनता के सामने पेश किया। इसी मसले पर हमने किसान नेताओं से बातचीत की, समझने का प्रयास किया पूरा मसला क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं। 7 जून तारीख को छत्तीसगढ़ में 3 मुसलमान युवाओं पर गोरक्षा के नाम पर कुछ गुंडे हमला करके उनका कत्ल किया गया है। पर आज ब्रिजमोहन अग्रवाल भाजपा के जो सांसद हैं उन आरोपियों के साथ खड़े होके ये कह रहे हैं कि ये जो 3 युवा है वो खुदकुशी किए हैं और उन पर कोई हमला नहीं हुआ। पर कल अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और शामली, ये 2 जिला में हम लोग इनके परिवारों से मिले और हमको खबर मिला उनसे कि ये बहुत कि एक साजिश के तौर पर इन पर हमला किया गया, इनको पीछा किया गया और उन पर हमला करके उनको मार दिया गया। ये जो मजदूर 3 मजदूरों को इसी तरह उन्होंने मार डाला है उसका बाद भी वहाँ जो FIR आया इसमें जो सेक्शन है वो सेक्शन 302 उसमें होना चाहिए, जो मर्डर का सेक्शन है, कत्ल करने का सेक्शन है वो उन्होंने रखा नहीं है, उसमें 304 रखा है, 307 रखा है। इसमें अटेम्प्ट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड ये दोनों आएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल तक आपको सज़ा मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और फाइन मिलेगा, वो दोनों मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। का मतलब ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ का BJP सरकार और हमारा देश का जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, ये लोग ऐसे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मुसलमानों को मार डालो फिर भी उसको ऊपर मर्डर का केस नहीं आएगा। 7 जून को ये जो हुआ ये वो बफेलोज लेके जा रहे थे, एक भी गाय उसके अंदर नहीं थी लेकिन फिर भी गाय का बोलना करके ये BJP RSS के लोगों ने उनके ऊपर रात के टाइम 2 या 3 बजे तक रात को उनका फॉलो करके उनका खून करवाया और उसमें से अभी जो 4 अरेस्ट हुए हैं उनमें से 1 अरेस्ट जो हुआ वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का रायपुर ज़िले का प्रचार प्रमुख है। यानी ये बात क्लियर है कि ये BJP RSS का ही गेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 परिवार से हम मिले, सहारनपुर जिला के लखनौती गांव में चांद मियाँ जो मात्र 23 साल का युवा है, 5 महीने पहले उनका निकाह हुआ है। दूसरा युवा है सद्दाम कुरैशी, मात्र 22 साल के, और बनत गांव जो शामली जिला में पड़ता है वहाँ तहसीम कुरैशी नाम का एक युवा, ये 3 लोग को मार दिया गया और तीनों गरीब परिवार से हैं। कोई किसी भी तरीके का मुआवजा चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दिया है। लगातार जो कैटल ट्रेड पर जिस तरीके से नियंत्रण करने का और गोरक्षा का हमला के चलते जो डर का माहौल पैदा है इसके चलते उनके जो गाय हो या भैंस हो इसको बेचने का स्थिति में वो नहीं है, इसीलिए बहुत बड़े पैमाने में आवारा पशु का समस्या भी बढ़ा है और सबसे ज़्यादा किसानों का खेती को भी नुकसान इससे पहुँच रहा है। किसान सभा की तरफ से उनको 1-1 लाख रुपया मदद हमने दिया चेक का और वो बार हमको मालूम पड़ा कि अभी तक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो BJP की है, उत्तर प्रदेश जो BJP की है, किसी ने उनको कोई भी मुआवजा अभी तक नहीं दिया। इन्हीं 10 सालों में हम ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश आज के दिन भारत है और उसमें
सभी आज जानते हैं कि भाजपा के नेता ही इन कंपनियों में उनका भागीदारी और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी इनसे भी ये भाजपा बड़े पैमाने में डोनेशन के नाम पर लिया है। तो ये इस देश के जनता के सामने पर्दाफाश करने का ज़रूरत है और लगातार ये जो हमला एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो कोशिश है उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो कैटल इकोनॉमी है, जो खास करके गाय भैंस को पाल के उससे आमदनी कमाते हैं दूध बेच के, उन पर भी हमला है। हमने जो मांग की है, नंबर एक कि छत्तीसगढ़ सरकार, जहाँ पे ये हादसा हुआ, ये जो खून हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये तीनों के परिवारों को मुआवजा के रूप में 1-1 करोड़ रुपए देने चाहिए और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए। ये हमने पहली डिमांड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखी और सरकार से भी हम करने वाले। दूसरी डिमांड हमने ये की कि ये पूरा अगर ख़त्म करना है तो एक कानून, जो लगातार हम देखते हैं कि एक कानून होना चाहिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ, ये हेट क्राइम जो चालू है इसके खिलाफ में एक कानून होना चाहिए और एक ज़बरदस्त कानून होना चाहिए जिसके तहत ये इस प्रकार के हादसे वापस करने का कोई हिम्मत न करे और बहुत कड़ी सज़ा इसके अंदर होनी चाहिए। ये अर्थात नई मांग नहीं है, पिछले 10 सालों से ये हेट क्राइम और लिंचिंग ये तो हो ही रहा है, पहलू खान से लेकर मोहम्मद अखलाक से लेकर, और ये छत्तीसगढ़ की एक ही घटना नहीं है। पिछले 1 महीने में ये चुनाव जीतने के बाद मोदी साहब जब तीसरी बार सत्ता में आए, तब से लगातार कई राज्यों में ये हमले लगातार हो रहे, हम देख रहे अलग अलग राज्यों में। और इसके लिए आज हमने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये सब हमलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह डायरेक्टली जिम्मेदार है, ये हमने इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इस प्रकार के हमले प्लान्ड तरीके से अलग अलग राज्यों में एक ही वक्त ये बिल्कुल नहीं होते थे, ये बात क्लियर है। और एक हमने डिमांड ये की है कि ये पूरा जो कैटल मार्केट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी किसानों के लिए, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं आता, पूरे किसानी जो है इसके अंदर ये पूरे कैटल मार्केट के ऊपर बैन जो लगाया, इससे बहुत बड़ा नुकसान सभी किसानों का हुआ है। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये पूरा कैटल के ऊपर बैन ये लिफ्ट होना चाहिए, सरकार ने इन सब पशुओं को खरीद करना चाहिए मार्केट रेट पर, कैटल यानी बुल्स होंगे या अपने बफेलोज होंगे, काउज होंगे, अभी ठीक है वो नहीं कर सकते तो आप खरीदो उनको और मार्केट रेट पे खरीद करो, यानी कम से कम किसानों को उतना तो फ़ायदा होगा। ये मांग हम आज पूरी तरीके से कर रहे हैं। इस मामले के ऊपर हमने 24 जुलाई को पूरे अखिल भारतीय किसान सभा ने कॉल दिया है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जाए ये इस प्रकार के हेट क्राइम्स के खिलाफ और ये कैटल ट्रेड के बारे में जो अभी मैंने कहा, तो ये सरकार ने खरीदी करना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर और राष्ट्रीय एकता के लिए बड़े बड़े प्रदर्शन पूरे देश भर में 24 जुलाई को हम करेंगे किसान सभा की तरफ से। 24 को हम सारे देश का किसानों से हमने कॉल किया है, अपील किया है कि 24 जुलाई को सारे देश में, हर गांव में और तहसील में किसानों को बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए। जो आरएसएस का नेतृत्व में ये जो बड़े पैमाने पे हेट क्राइम्स और मॉब लिंचिंग वगैरह प्रमोट कर रहा है उसको खिलाफ, और ये जो केस में उसको सही कॉम्पनसेशन मुआवजा वो परिवार को देना, उनको रोज़गार देना इसके लिए, और ये जो सरकार उसको मदद नहीं कर रहा है तो किसान उसको मदद करेगा, इसलिए फ़ंड भी इकट्ठा करना चाहिए। वो फ़ंड भी इकट्ठा करके अभी ये परिवार को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए किसान अपना तरफ से काम करेगा। तो इसके लिए हम 24 जुलाई को सारे किसान को, सारे देश का किसानों को अपील किया है, इसमें आप अच्छी तरह इसको खिलाफ आम लोगों को राय बनाइए, किसानों को राय बनाइए, किसानों को आंदोलन में ले आइए।